नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसान सम्मान निधि को लेकर। बहुत किसान भाइयों को पता नहीं है, वो अपनी 11वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अपना स्टेटस चेक नहीं किया है। काफ़ी किसानों के इस बार 11वीं किस्त को रोक दिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ रीजन क्या है। ये हमारी किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस पर सबसे पहले हम डैशबोर्ड पर जाएंगे। मैं आपको स्टेट से दिखा देता हूँ। यहाँ हम स्टेट सेलेक्ट की करेंगे, यूपी, और डिस्ट्रिक्ट कोई भी कर लेते हैं सेलेक्ट, अलीगढ़ कर लेते हैं पहले ही, और इसे खैर कर लेते हैं, और पहले ही कोई भी एक ब्लिस शो कर लेते हैं। तो यहाँ ये डिटेल खुल के आती है हमारी, तो हम पेमेंट स्टेटस पे जाएंगे। यहाँ दूसरा ऑप्शन है हमारा रिसीव्ड पार्शियल पेमेंट, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे। जैसे हमारे ये पहले ही एक किसान भाई हैं, अमीर चंद नाम है इनका। इन्हें इनकी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू हैं 6, और दो पेड हो चुके हैं, 6 ड्यू कैसे हैं। तो यहाँ क्लिक फॉर मोर डिटेल में क्लिक करेंगे, यहाँ दिखाएगा। यहाँ आप चेक कीजिए, पहली जो इंस्टॉलमेंट है इनकी सक्सेसफुल आ चुकी है। दूसरी पे इन्हें दिक्कत, इनएक्टिव आधार कार्ड हो गया है, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर इनएक्टिव आधार कार्ड हो गया। तीसरी पेमेंट पे भी, और आपकी चौथी पेमेंट भी पे भी इनका इनएक्टिव आधार है, और फिफ्थ पेमेंट पे उन्होंने क्लियर लिख के दिया है क्या कमी है। आधार नंबर डी सीडेड फ्रॉम NPCI मैप्ड बाई बैंक कस्टमर टू कॉन्टेक्ट हिज हर ब्रांच। इनका आधार कार्ड इनकी बैंक से डीएक्टिवेट कर दिया गया है, तो इनसे कहा गया अपनी ब्रांच में संपर्क करें। तो ये ब्रांच गए और इन्होंने अपना आधार कार्ड एक्टिव करा लिया, तो इन्हें सक्सेसफुल की छठी पेमेंट आ गई और सातवीं किस्त इनकी पेंडिंग है। तो आप भी अपना अपना स्टेटस चेक कर लें, कहीं आपके साथ तो ये दिक्कत नहीं है। अपना आधार कार्ड बैंक से लिंक करा लें। तो मैं और आपको बता देता हूँ, जैसे हम और दूसरे किसान भाई की देखते हैं। जैसे बाबू नाम से है, इनकी 9 किस्त अभी ड्यू है जिसमें 7 किस्त पे हो गई हैं। तो यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ अब इनकी 7 किस्त कंटिन्यू आई हैं, 8वीं किस्त इनकी स्टॉप हो गई है अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल से। तो अब वो ये वहाँ जाके अपना चेक करा लें, क्योंकि 8वीं किस्त नहीं आएंगी और ये 11वीं किस्त आधर किस्त के इंतजार में बैठे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। अपना जाके चेक करें, और यहाँ से सभी अपने किसान भाई अपना अपना स्टेटस चेक कर लें। और भी कई रीजन हो सकते हैं, 2 रीजन तो मैंने दिखा दिए। जैसे ये इनकी किस्त एक पेंडिंग है, वो किस वजह से है, ये देखिए, इनकी 9 किस्त कंटिन्यू आ गई हैं। अब ये 10वीं किस्त के टाइम इनका अकाउंट क्लोज हो गया, तो इन्हें पता भी नहीं है 11वीं किस्त भी इनकी नहीं आएगी। ऐसे ही अपना अपना स्टेटस चेक कर लें। और भी लोगों के हम चेक करते हैं, जैसे इनका भी चेक करते हैं, इनका भी अकाउंट क्लोज हो गया है, और इनकी 1, 2, 3, 4, 5 किस्त इनकी अकाउंट क्लोज की वजह से पेंडिंग है, लेकिन इनको पता ही नहीं। तो अपने अपने स्टेटस चेक कर लें, और अब नहीं तो आपकी भी किस्त नहीं आ पाएगी। अगर आपको पता लगाना है कि हमारा आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक है, तो हम क्या करना होगा, सबसे पहले गूगल पे जाएंगे, यहाँ टाइप करेंगे आधार कार्ड। आधार कार्ड टाइप करके सबसे पहले ऑप्शन साइड इस पर क्लिक करेंगे, और माई आधार पर क्लिक करेंगे तो यहाँ काफ़ी ऑप्शन आते हैं। तो हमें यहाँ जाना, चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे और अपना आधार नंबर यहाँ टाइप करेंगे और कैप्चा फिल करेंगे। ओटीपी जाएगा आधार कार्ड पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, तो उस पर ओटीपी आता है। जब तक ओटीपी डालते हैं, ये देखिए आधार कार्ड लिंक है IDFC बैंक में। तो IDFC बैंक में आधार कार्ड लिंक है, तो किसान सम्मान निधि किस्त आराम से आ जाएगी। तो जिन लोगों के कंफ्यूजन है हमारा लिंक है, कि यहाँ एक बार जरूर चेक कर लें, नहीं तो आप जिस इंतजार में बैठे हो वो बैठे ही रहोगे और आपकी 11वीं किस्त नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।